सब्जी हुई। सबा एक बात मुझे समझाओ, 1 घंटे से ये किताब में से तुम्हें यही बनमजा रेसिपी मिली? अभी खुद सोचो, जिसमें बैंगन, लौकी और टिंडा पड़े, वो चीज अच्छी बन कैसे सकती है? ओ बाबा, आपको कुछ पता भी है? इन सब सब्जियों से हमें आयरन, विटामिन B5, B6 और B12 मिलता है। मुझे नहीं खाना है तुम्हारे विटामिन 1, 2, 3 वाली सब्जी। सब क्यों ना उस दिन हम लोग ने नहीं, हम हर रोज बाहर से ही खाना मंगवाएंगे, इस तरह आपका भी वजन नहीं घट पाएगा। मैं तो ये सब मेहनत फालतू में ही करती रहती हूँ ना, ये सब किताबें ढूंढती हूँ, फिर सब लाती रहती हूँ, है ना? तुम जो भी कहो सही है, लेकिन अब मैं तुम्हारी विटामिन वाला सालन नहीं खा सकता। देखो, हमें देखने की भी जरूरत नहीं है। जरा सुनो, देखो पूरे किचन में जलने की महक फैल गई है। क्या हुआ सी? गए थे, समझ लीजिए सेंचुरी बनने ही वाली थी, लेकिन अल्लाह की मार कैच आउट हो गया। इसलिए इतनी जोर से चिल्लाए तुम? बिल्कुल बेवकूफ हो ना, हमें तो डरा ही दिया कि अम्मी ने ना सुन लिया हो, बेमतलब घबरा जाएगी। क्या हुआ, तुम चिल्लाया? कुछ नहीं जरा, बच्चे आपस में खेल रहे थे तो शोरगुल हो गया। 1000 बार मना किया इन लोगों से, इस तरह के खेल मत खेला करो, लेकिन तुम लोगों के कान पे तो जूं तक नहीं रेंगती। खेल खेल खेल, हर वक्त खेल। और ये शहद क्यों नहीं आया अब तक? आने दो से, आज ऐसी डांट लगाऊंगी ना कि हमेशा याद होगी। अब रहने दो जहरा। आता ही होगा, स्टेट स्विमिंग चैंपियन है ना तुम्हारा बेटा, कह रहा था कि शहर से बाहर कहीं प्रैक्टिस के लिए जाना पड़ता है, चैंपियनशिप्स आ रहे हैं उसके। लेकिन तुम्हें याद है डॉक्टर ने क्या कहा था? कि परेशान मत होना, गोली खाकर सो जाना। चलो सब, तुम असीम का स्कूल बैग पैक कर लेना कुछ वक्त, और जो भी दिल करे खाने के लिए मंगवा लेना, मेरा बटवा भार। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था, उसके 3 बच्चे थे। किसान की बीवी अपने बच्चों को बहुत प्यार करती थी। अभी हमारी अम्मी हमसे क्यों नहीं प्यार करती? गलत बात है असीम, हमारी अम्मी हमसे ढेर सारा प्यार करती है, बस दिखाती नहीं। अम्मी मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती, तभी तो मैं जो भी करता हूँ डांट देती है। पता है रिद्धोस वरुण की मम्मी उसको कभी नहीं डांटती, उसके बर्थडे भी वाटर पार्क ले गई थी। हमारी अम्मी ऐसा कुछ नहीं करती है। हमारी अम्मी बीमार है, इसीलिए वो औरों की अम्मियों की तरह नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो हमसे प्यार नहीं करती या कि वो अच्छी नहीं है। हमारी अम्मी हमसे बहुत प्यार करती है और वो बहुत अच्छी है, सबसे अच्छी। मैं चाहता हूँ हमारी अम्मी पहले जैसी हो जाए जब जैद भाईजान थे। हाँ, अम्मी जैद भाईजान की कोई भी बात नहीं डालती थी। अब भाईजान यहाँ नहीं है, मेरी मदद कौन करेगा? अल्लाह मियाँ सबकी मदद करते हैं। आप ही बाबा कह रहे थे कि रोजे रखने से जो भी मांगो मिल जाता है, और मैं कल से रोजे रखूंगा। नहीं बेटा, हरगिज नहीं। अभी तुम बहुत छोटे हो असीम, रोजे रखना तुम्हारी बस की बात नहीं है। रखने दीजिए ना बाबा, नल्ली खाला का बेटा तो इससे भी छोटा है, फिर भी वो सारे रोजे रखता है। बाबा प्लीज। अच्छा ठीक है, लेकिन सहरी के लिए उठना भी पड़ता है छोटे। जी बाबा। साहब खत। बाबा तुम्हारी फूफी जान का। कौन फूफी जान? अरे वही
जिनकी बातें मैं कभी कभी तुम्हें बताया करता, वो जो आलमगढ़ में रहती है। आज अचानक उनका खत कैसे आ गया? हमने तो उन्हें सिर्फ तस्वीरों में ही देखा है। मैंने भी उन्हें इतने सालों में कहां देखा। असल में तुम्हारी फूफी जान ने बाबू जान के मर्जी के खिलाफ शादी कर ली थी, इसलिए हम लोगों ने उनके साथ कोई ताल्लुकात नहीं रखे। बहन को मिलने का जी तो बहुत तड़पता था, लेकिन अबू जान की जिद के सामने मेरा बस नहीं चला। और कुछ हिम्मत भी नहीं बनी। इतने नाजों से पली मेरी बहन, उसे छोटे से मकान में कम पैसों के साथ गुजारा करते हुए शायद नहीं देख पाता, लेकिन आज उसका खत पढ़कर सारा गुस्सा काफूर हो गया है। ओफो बाबा, लेकिन खत में लिखा क्या है? लिखा है कि उनका बेटा आफताब एडमिशन के सिलसिले में यहाँ आ रहा है, शायद एक तक रहे। बाबा, वो हमारे साथ रहेगा? वो तुमसे उम्र में बड़े, तमीज से बात करो। सॉरी बाबा, लेकिन वो रहेंगे कहाँ? हमारा कमरा तो बहुत छोटा है। तो जगह बनाओ, पहले अपने दिल में, कमरे में खुद ब खुद जगह बन जाएगी। और वैसे भी वो तुम दोनों के भाई जान हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप अम्मी से क्या कहेंगे? आपके जो दिल में आए कीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसे आना है आए, जिसे जाना है जाए, बस जब जायद आएगा तो उसे यहां से जाना पड़ेगा, क्योंकि जायद के कमरे में कोई और है, कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो जायद के कमरे में नहीं रहेगा, बच्चों के कमरे में रहेगा। आप खुश? करता क्या है, सिर्फ हमसे मिलने आ रहा है या कोई और काम भी? एडमिशन के सिलसिले में आ रहा है, कुछ इंटरव्यूज हैं, शायद ईद तक रहना चाहेगा। ईद तक? नाम क्या है उसका? आफताब। ये क्या बदतमीजी है, लोगों की खिड़की में से झांकते हो? मामू। आफताब। आदाब मामू। जीते रहो बेटा। तुम दरवाजे से क्यों नहीं आए खिड़की पे? मैंने घंटी बजाई थी मगर किसी ने दरवाजा नहीं खोला, तो मैंने सोचा खिड़की से जाकर देखो घर में कोई है भी या नहीं। जरूर पड़ोस की बच्चों की शरारत होगी, मैं उन्हें देखूंगा। तुम अंदर तो आओ। जी। कितनी बार सोचा तुम्हारे घर आने, लेकिन अब्बा जान की कसमों ने रोके रखा। वो तो नहीं रहे, लेकिन अम्मी को नाना जान के गुजर जाने की खबर बहुत दिनों बाद मिली। बहुत रोई वो, आना भी चाहती थी मगर। खैर, अब इनसे बातों को दोहराने का कोई फायदा नहीं, और वैसे भी ईद से मुबारक मौका और क्या हो सकता है अपने मामू जान से मिलने का। आफताब, तुम यहाँ असीम के साथ ही सो जाओ। लेकिन बाबा, आप तो जानते हैं मैं नींद में पैर मारता हूँ। कुछ ही दिनों की बात है बेटा। कोई बात नहीं, मैं काफी मजबूत हूँ, आपके पैर को चोट लग सकती है, मुझे नहीं। अच्छा चलो, तुम लोग सब सो जाओ, तुम्हें सुबह जाना है ना। कम ऑन, गुड नाइट। गुड नाइट।
रसी मियां, वसीम नींद नहीं आ रही है क्या? मुझे डर लग रहा है, एक बड़ा सबूत मेरे सर के पास बैठा था। वसीम मियां, आप जानते हो मुझे सारे भूत डरते हैं, मेरे पास एक ऐसी चीज है जिसे सारे भूतों को काबू में किया जा सकता है। आप ही मुझे देंगे? मुझे हर रोज भूत सताते हैं और आप ही मेरी बात का यकीन नहीं करती हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको दे सकता हूँ और उसके लिए आपको मुझसे दोस्ती करनी पड़ेगी। दोस्ती तो कर ली, वरना मैं आपके पास आता क्यों? एक बात और है। क्या? मुझे टॉयलेट जाना है, आप मेरे साथ चलेंगे? लाइट की स्विच तक मेरा हाथ नहीं पहुंचता। जरूर चलूंगा, चलो आ जा। अच्छा असीम, जब मैं नहीं था यहाँ पे तो टॉयलेट का स्विच कौन ऑन करता था? हम लोग स्विच ऑफ ही नहीं करते थे, पहले जैद भाईजान थे। अच्छा, और अब जैद भाईजान कहाँ है? अब वो यहाँ नहीं है। पता है, जैद भाईजान स्टेट चैंपियन थे स्विमिंग के। अच्छा, और आप, आपको आती है स्विमिंग? सिर्फ फ्लोटिंग। अम्मी और बाबा जाने ही नहीं देते, कभी नहीं जाने देते। ऐसी बात है, फिर तो हम कल ही जाएंगे। बाबा नहीं जाने देंगे। मैंने कहा था ना, मेरे पास एक ऐसी चीज है जिसे भूत काबू में आ सकते हैं। एक बात और, इसे इंसान पर भी काबू पाया जा सकता है, समझे कुछ? आप ही मुझे आर्ट बुक में कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ करना है। अच्छा, मुझे गिटार बनाना है। तो बना लो, अपनी किसी स्टोरी बुक में से देख के बना लो। अगर मैं खुद बना सकता था तो मैं आपसे क्यों बोलता था? जैसे कि मुझे तो कोई होमवर्क करना ही नहीं, मेरा होमवर्क तो तुमसे भी टफ है। लाओ सीम, मैं तुम्हारी मदद कर दूं। यहाँ पे अब इसको साफ साफ पेंसिल से आउटलाइन कर लो और फिर कलर कर लो, ठीक है? देखा अभी भाईजान ने मिले कितना अच्छा बनाया, आप तो ऐसा कभी बना भी नहीं पाती। इसीलिए मैंने नहीं बनाया। अम्मी देखिए भाईजान ने मिले कितना अच्छा बनाया। हाँ ठीक। मैंने तो सिर्फ आउटलाइन बनाई थी, असल में इसने खुद ही किया है। मेरे ख्याल से काफी अच्छा हाथ है इसका आर्ट में। मुझे अपने बच्चों के बारे में, तुम्हें इस बारे में बोलने की कोई जरूरत है? क्या मैं बाहर जाके खेल सकता हूँ? भाईजान कह रहे थे कि मुझे पतंग उड़ाना सिखाएंगे। कोई जरूरत नहीं, पतंग उड़ाना आवारा लड़कों का खेल, और तुम्हें ऐसे खेल सीखने की जरूरत नहीं। और वैसे भी ऐसे खेल में बहुत खतरा है। अब हमें कभी जाने नहीं देती है बाहर, सब बच्चे खेलते हैं, हम लोग घर में बैठे बैठे बोर हो जाते हैं। तो इसके आदत डालो या बड़े होने का इंतजार करो, जब अपना ख्याल तुम खुद रख सको, जायद भाई, समझे? मैं इन्हें बाहर ले जाऊं अगर आपकी इजाजत हो तो? कोई जरूरत नहीं, अगर इन्हें जाना ही होगा तो अपने बाबा के साथ जाए। जरा दवाइयां खा ली। झूठ, वैसे ही पड़ी हुई है। मुझे दवाई की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं हुआ है। जरा मैं भी ये चाहता हूं कि तुम्हें कभी दवा लेने की जरूरत ना पड़े। एक बात कहूं,
मुझे ऐसे महसूस हो रहा है जैसे तुम्हें आफताब का यहां रहना अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना। कहने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं इस घर में एक तनाव महसूस कर रहा हूं। मुझे तो सिर्फ बच्चों के बिगड़ जाने की फिक्र है। वैसे भी मैंने उसे कई बार शायद के कमरे में झांकते हुए देखा है, जो मुझे कतई पसंद नहीं। कहीं वो शायद की जगह लेने की कोशिश तो नहीं कर रहा? शायद की जगह कोई नहीं ले सकता है, क्योंकि शायद आएगा, जरूर आएगा। तुम खामखा आफताब को गलत निगाहों से देख रही हो। वो पहली बार इतने बड़े मकान में रह रहा है तो क्यूरियोसिटी तो होगी ही ना। तुम तो जानती हो कि गुड़िया ने किन हालात में उसे पाला है। एक कंपनी में मामूली सा मुलाजिम है उसका शौहर, क्या कमाता होगा। ये तो फक्र की बात है कि इन हालात के बावजूद भी आफताब को इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिली है। अब गुड़िया के दिन जरूर बदलेंगे। मुझे उसके यहां रहने पर कोई एतराज नहीं, नहीं उसके यहां रहने से कोई खुशी। वो आपकी बहन का बेटा है, आप जाने। सहरा, मुझे नींद आ रही, शायद आ जाए तो ताला लगा दीजिएगा। मामू जान, मैं इन दोनों बच्चों को पिक्चर दिखाने ले जाऊं? शौक से ले जाओ बेटा, लेकिन बड़े भाई होने के नाते सबा और असीम की जिम्मेदारी तुम्हारी। अब बेफिक्र रहिए, मैं सब संभालूंगा। अगर तुम पे भरोसा ना होता तो कभी भेजता नहीं। और देखो, फिल्म के बाद सीधे घर लौट आना। अगर ये लोग बीच पर जाने की जिद करें तो भी मत लेकर जाना, ओके? जी बिल्कुल। भाईजान, हमें बाहर लेकर आने का शुक्रिया। तुम कितने सालों बाद ऐसे घूमने आए। साबा, भाईजान का शुक्रिया अदा नहीं किया जाता। अच्छा भाईजान, अब हमें घर चलना चाहिए, हमें बहुत देर हो चुकी है। देखो, तुम लोग मेरे साथ हो, फिक्र की कोई बात नहीं, मैं सब संभालूंगा। भाईजान, मेरी स्कूल में एक लड़का है जो मुझे बहुत तंग करता है, कभी मेरी किताबें चुरा लेता है तो कभी मेरा खाना छुपा देता है। अच्छी बात है, मैं चलूंगा तुम्हारी स्कूल और उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा वो जिंदगी भर याद रखेगा। भाईजान, के पास ऐसी जादुई चीज है, कुछ भी कर सकते हैं ना भाईजान। और अब हम सब पिक्चर चलेंगे। कहां थे तुम लोग अब तक? फिल्म देखने गए थे। बीच पर गए थे मामा, माफी चाहता हूं। अपनी शक हिदायत के बावजूद मैं बच्चों को बीच में ले गया। इन बेचारों ने तो कुछ कहा भी नहीं, वो तो मैं ही। जान, कल रात जो कुछ भी हुआ वो हमारी वजह से हुआ। अगर हम बीच पर गए ही ना होते तो। नहीं सबा, मैंने मामू जान के थप्पड़ का बुरा नहीं माना है।
साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी चाहता हूँ। मैंने आपके थप्पड़ का बुरा नहीं माना है, आपका तो हक बनता है मुझ पर, लेकिन शायद मेरा यहाँ रहना ही ठीक नहीं, इसीलिए मुमानी जान भी शायद मेरे यहाँ रहने से नाराज है। मैं चलता हूँ। जाना चाहते हो तो जाओ, रोकूंगा नहीं, लेकिन एक बात तुमसे कहना चाहता हूं, मेरे साथ आओ। आओ। इतने सारे मेडल्स और ट्रॉफीज, ये सब आपके हैं मामू? नहीं, देखिए बाबा, भाईजान ने मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। बहुत अच्छा किया भाईजान, बहुत अच्छा किया। अच्छा जाहिद, बहुत हुआ बेटा, अब बाहर आ जाओ। नहीं अम्मी, अभी नहीं, अब देखना मैं गायब हो जाऊंगा। बेटा प्लीज ऐसा खेल मत खेलो, बाहर आओ। नहीं अम्मी, अभी नहीं, मैं पैदा ही पानी में रहने के लिए हुआ हूँ, बाहर आकर क्या करूँगा। बहुत देर हो गई बेटा, बाहर आ जाओ ना। अम्मी आप तो खामा का कर रहती है, मैं पानी को जमीन से ज्यादा अच्छी तरह से जानता हूँ। देखा बाबा, भाईजान फिर से शो ऑफ कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, अभी अंदर चलो, रोजा खोलने का वक्त हो गया। तुम्हारी मम्मी ने बहुत मजे का खाना बनाया। मैं तो रोजा रखता भी नहीं, तब भी मैं सब कुछ खाता हूँ। नतीजे जो हो, चलो अरे ये शायद का है, भाईजान शायद स्विमिंग कर रहे होंगे। लो आ गए। अरे जाहिद, तुम और इन कपड़ों में नजर ना लगे मियाँ, बहुत अच्छे लग रहे। अलविदा की नमाज के लिए गया था, दूसरों के साथ देर हो गई, और फिर शायद ईद पर यहाँ ना हो सकूं। क्यों भाई, ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया जो ईद के दिन तुम घर पर नहीं रहोगे? अम्मी हम लोग गरीब बच्चों के लिए एक वर्कशॉप रख रहे हैं, हम उन्हें मुफ्त में स्विमिंग सिखाएंगे। मेरे और दोस्त भी हैं। ये तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारा दिमाग खराब करके रखा है, तभी अचानक इंसानियत जाग उठी तुम में। एक मिनट जरा, बेटा तुम्हारा ये वर्कशॉप अगले हफ्ते नहीं हो सकता? बाबा वर्कशॉप अगले हफ्ते भी हो सकती है, लेकिन मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरा स्विमिंग कॉम्पिटिशन है ना, और फिर रमजान का तो मतलब यही है कि गरीबों की मदद करो। ईद की सेवाएं तो मैं किसी भी हालत में मिस नहीं कर सकता, इसलिए शाम तक मैं हर हालत में आ जाऊंगा। Come on, अम्मी, be a sport. आप तो जानती हैं ना कि आपका बेटा एक स्पोर्ट्स चैंपियन है, इसका औरों को भी तो फायदा हो। मेडल का आने तो बदले। जाने दो सर, बहुत समझदार हो गया तुम्हारा बेटा। अरे इसकी उम्र के लड़के अपने अलावा दूसरे के बारे में सोचते भी नहीं है। अच्छा ठीक है, लेकिन वक्त पर आ जाओ। चलो रोजे। असीम, तुम्हारा कुर्ता पजामा बहुत अच्छा है, वही नया लिया है क्या? नहीं तो। अच्छा तो सिर्फ नाड़ा नया लिया है, इसलिए लटका कर रखा है सबको दिखाने के लिए। भाईजान अब बहुत गंदे हैं, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। तो तुम्हें रात को टॉयलेट कर ले जाएगा? आप लोग मेरा मजाक उड़ा रहे, लेकिन देखना जब वो भूत तुम लोगों को सताएगा तब पता चलेगा। भाईजान इस साल हमारे लिए कोई ईद का तोहफा नहीं लेकर आए। अल्लाह मियाँ ने दिया ना तुम सबको इतना बेहतरीन तोहफा, तुम्हारा भाईजान। नहीं भाईजान, हमें इतना अच्छा तोहफा नहीं चाहिए। मुझे तो कोई गंदा सा तोहफा भी चल जाएगा, जैसे कि वो चांदी की बालिया, या फिर वो वाला पेन जो आपके पास है, या फिर कोई और पसंद आ जाए तो वो भी चलेगा, लेकिन तोहफा जरूर लाएगा, वरना मैं आपको घर के अंदर नहीं आने दूंगा। मैं जा जा रहा हूँ, वहाँ एक चीज बहुत अच्छी मिलती है, पानी, एक बॉटल में भर कर लाऊंगा, ठीक है? ये देखो अच्छी है ना, पानी में भी खराब नहीं होती। भाईजान को इसकी जरूरत थी ना, इसलिए लेकर आई, तुम्हें भी दिला दूंगी। अभी तो देखो ये तुम्हारे लिए क्रिकेट बैट लेकर आई, अच्छा है ना? अच्छा अब जाओ बाबा के साथ नमाज पढ़ने, और जैसा कहा था ना वैसे गरीबों में पैसे बांट लेंगे, ठीक है? आइए ना अम्मी, अभी कितना सारा खाना पकाना है, शाम को जैद भाईजान भी आ जाएंगे, उनके पसंद के दही वड़ी बनाएंगे। Thank you.
अब किसका फोन? हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम, आपको भी चांद मुबारक। बस घर ही पर है? नहीं, सब नहीं, जाहिद मियां का इंतजार हो रहा है जी, घर पे भी सबको। जी खुदा हाफिज। किसका फोन था? डॉक्टर मिर्जा का, चांद मुबारक कह रहे थे। बाबा आज अम्मी ने गुलाब जामुन अच्छे बनाए ना। और दही बड़े भी बहुत अच्छे बने, जाहिद भाईजान तो खुश हो जाएंगे। ये किसका फोन? जरूर उसके दोस्तों का फोन होगा, फिर कोई बहाना ढूंढ रहे होंगे। आने की मर्जी नहीं होगी ना? आने दीजिए उसे, उसके स्विमिंग विमिंग सब बंद करवा दूंगी मैं। हेलो जी, मैं उसका बाबा बोल रहा हूं। जी को डूबने से बचा रहा था, जरा वो हमारे जाहिद ने उस लड़की की जान तो बचा दी, लेकिन खुद दो साल हो गए इस हादसे को, लेकिन अब भी मन तड़पता है, रोता है उसके लिए। जहरा बेचारी तो रो भी नहीं पाई, वो तो आज भी ये मानने को तैयार नहीं है कि जाहिद कभी वापस नहीं आने वाला। ऐसा कब तक चलता रहेगा मामू? जब तक चल सकता है, जब तक सांसे हैं। मैं शायद आपका गम पूरी तरह से समझ नहीं सकता, मगर उसे महसूस करने की कोशिश जरूर कर सकता हूं। मामू, असीम और सबा सहमे सहमे से रहते हैं। कल मैंने उन्हें पहली बार बीच पर हंसते हुए देखा। अल्लाह मियां ने आपके साथ जो किया वो अच्छा नहीं था, लेकिन जब वो गम देता है तो उससे उबरने की हिम्मत भी देता है। वो हिम्मत जगाइए मामू, खुद में, मुमानी जान में, असीम में, सबा में, जिसे जाहिद एक मनहूस हादसा नहीं बल्कि एक याद बनकर रह जाए सबके दिलों में, ऐसी याद जो खुशियां लाए। दर्द तो कम नहीं होगा, मगर खुशियां बढ़ जाएंगी। अल्लाह भी तुम्हें सलामत रखे बेटा, बहुत अच्छा पाला है गुड़िया ने तुम्हें। अच्छा मामू, मुमानी जान कहीं तो जाती होंगी। हाँ जाती कभी कभी, ये नहीं पता कहां। ज्यादा सवाल नहीं करता अपने उसे, मामू जान, क्या आप जानते हैं असीम ने रोजा क्यों रखा है? तो ये राज तुम्हें भी पता लग गया हूं? जी, उसने अल्लाह मियां से कुछ मांगा है और उसे पूरा यकीन है उसकी मुराद जरूर पूरी होगी इंशाल्लाह। मुमानी जान,
असल में उसने रोजा आप ही के लिए रखा है, इस उम्मीद में कि आप उसे फिर से प्यार करें पहले की तरह, ऐसा उसने मुझे कहा है। मोमानी जान, आप शायद मुझसे इसलिए नाराज है क्योंकि मैं जबरदस्ती आप पर अपना हक जता रहा हूं। जाहिर है आप नाराज तो होंगी ही, आप बिल्कुल मेरी अम्मी की तरह हैं, पल में तोला पल में माशा। अगर आप अंधेरे में पड़ेंगी तो आपकी आंखें खराब हो जाएंगी। अब्बा कहते हैं जो लोग बहुत गुस्सा करते हैं वो प्यार भी बहुत करते हैं। अब राह चलते इंसान पर तो गुस्सा नहीं किया जा सकता ना। ये तुम्हारी गलत फहमी है। सच तो यह है कि तुम्हारे यहाँ रहने ना रहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जाओ तो अभी चले जाओ मेरी वजह से। कितनी नाराज है आप सबसे। आपको फर्क पड़ता है क्योंकि आपकी शक्ल पर लिखा है कि आप माँ हैं, 100% माँ। और माँ तो सिर्फ माँ ही हो सकती है। गुस्सा करना तो उसकी फितरत है, मगर प्यार भी उसके जितना कोई नहीं कर सकता। एक बात और, असीम को अपने रोजे पर पूरा भरोसा है, उसका दिल मत तोड़िएगा। मैं तो यहां से चला ही जाऊंगा, मगर वो तो आपका बेटा है। सुनो, ये पर्दे बंद कर दो। माफी चाहता हूं लेकिन ये मैं नहीं कर सकता। जो रोशनी अल्लाह मियां अपने बच्चों को दिखाना चाहते हैं उसे मैं कैसे रोक सकता हूं। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं पड़ता, रोशनी रखना बहुत जरूरी है। मामू जान, देखिए मैं सबके लिए क्या लाया हूं। लेकिन ये अब ये मत कहिएगा इसकी क्या जरूरत थी। तोहफे जरूरत के लिए नहीं बल्कि खुशियों के लिए दिए जाते हैं। बेटा तुम जानते हो कि हम ईद नहीं मनाते, मगर अब हम ईद मनाएंगे जाहिद के लिए। लेकिन बेटा तुम्हारी मुमानी जान, मैं उन्हें समझा लूंगा। और घर पे सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक कह देना। खुदा हाफिज। माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। हम तीरथ राम कारपेंटर हैं साहब, और ये हमारा बेटा घनश्याम। आपकी कृपा से बहुत नाम कमाया है साहब, इनाम भी पाया। आपके बिटुआ रहे ना जाहिद, वही तो सिखाए थे इसको तैर, और साहब वही तो इसको डूबने से बचाए थे। सभा बेटी, इन्हें कुछ खिलाओ। नहीं साहब, ये घर तो हमारे लिए भगवान का मंदिर है साहब। इनके जन्मदाता अब इनके अन्नदाता भी है जाहिद। उन्होंने जो गुण सिखाया था उसी से इसको रेलवे में नौकरी भी मिल गई है साहब। हम तो कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि एक बढ़ई का लड़का इतना तरक्की करेगा। लीजिए वो मीठा की, अपने हाथ से ही दे दो। ये तो बरसात,
जीते रहो बेटा। ईद मुबारक साहब, हम तो इसको मिलाने लाए थे। आपको भी ईद मुबारक। खुदा आज आपने एक बात तो साबित कर ही दी कि सिर्फ आपको लगता है कि जाहिद हमारे बीच नहीं रहा, तभी तो आपने उसकी प्लेट भी फेंक दी जिस जाहिद के लिए आप हर रोज प्लेट लगाती थी इस उम्मीद में कि वो लौट आएगा। असल में उम्मीद थी ही नहीं, आप खुद जानती थी वो कभी लौट कर नहीं आएगा। धोखा देती रही आप अपने आप को, शीशे की दीवारों में कैद कर लिया है खुद को। शायद तुम ठीक रहते हो, लेकिन मैं ये मानने के लिए कतई तैयार नहीं कि मेरा जायद नहीं आएगा। वो आएगा, जरूर आएगा। अगर आप सचमुच ये समझती है तो आप क्यों जाते हैं उसकी कब्र पर फातिहा पढ़ने? मैंने खुद देखा है आपको आज कैसे आंसू टपक रहे थे आपके दुआ करते वक्त। तो फिर क्यों कर रही हैं आप ऐसा? क्योंकि मैंने जायद को इस घर में देखा है पूरे 16 साल। पहली दफा उसका चलना, भागना, खेलना, सब कुछ इसी घर में हुआ। फिर मैं ये कैसे मान लूं कि मेरा बच्चा कभी नहीं आएगा? यही तो मैं भी कह रहा हूं कि जाहिद को जिंदा रखिए, मगर खुशी से, उसका मातम करके नहीं। देखिए सबा और असीम को, कितनी खामोशी आ गई है इनमें। अभी इनकी उम्र ही क्या है? जो चला गया उसे तो सिर्फ यादों से जिंदा रखा जा सकता है, लेकिन जो है उनका क्या? उनके साथ भी तो नाइंसाफी हुई है। आप इनकी भी तो मां हैं। अगर आपने अपना बेटा खोया है तो इन्होंने भी तो अपना भाई खोया है। अब इनसे इनकी मां मत छीनिए। मैंने कहा था ना, आप एक मां ही हो सकती हैं। और यकीन मानिए, मां होना बहुत मुश्किल है। कभी असीम के बालों में हाथ फेर कर देखिए, बहुत सुकून मिलेगा। कभी सभा के साथ खाना पकाइए, बहुत खुशी मिलेगी। ऐसा मेरी अम्मी कहती है, और यह सब तो आप भी जानती हैं। याद कीजिए, आप भी थी कभी ऐसी। याद कीजिए, आप भी थी कभी ऐसी। अच्छा, मेरी हर बदतमीजी के लिए माफ कर दीजिएगा, और कुछ नहीं तो अपना बेटा समझकर ही। अच्छा मामू जान, चलता हूं। आफताब, बेटे अपनी ईद का तोहफा नहीं लोगे? मैं से पहनोगे तो शायद को बहुत खुशी होगी, है ना?